हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। आज हम जानेंगे एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसके टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे और हम जानेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, आइए देखते हैं एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म डिफ्यूजन एंड एंजियोस्पर्म इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूस फ्लावर, यानी कि ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। इसको क्या कह सकते हैं, फिनरोगैम्स। एंजियोस्पर्म आल्सो आइडेंटिफाइड एज फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग्स टू द वन ऑफ द वाइटल ग्रुप ऑफ प्लांट हैविंग सीड्स, यानी कि एक ऐसे जैविक ग्रुप है जो कि जिसमें कि सीड प्रेजेंट होता है। द वर्ड एंजियोस्पर्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड वेयर एंजियन स्टैंड फॉर वेजल, यानी कि कबर, एंड स्पर्मा मीन सीड, यानी कि सीड कवर्ड प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म बिलोंग्स टू द वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड लार्जेस्ट एक्सटेंट ग्रुप ऑफ द प्लांट फाउंड इन द यूनिवर्स। ये क्या है, यूनिवर्स के हमारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लांट के ग्रुप जो है उसमें रखा गया है। ठीक है, देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 453 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म दैट कंटेन अराउंड 26,000 लिविंग स्पीसीज। ठीक है, आइए हम जानते हैं द सीड ऑफ एंजियोस्पर्म अनलाइक जिम्नोस्पर्म सच एज कोनीफर्स एंड साइकेड्स आर फाउंड इन द फ्लावर। इसमें क्या होता है, सीड क्या है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म की तरह ही होता है जैसे कि कोनीफर्स और साइकेड टाइप का। ठीक है, इसमें फ्लावर और फ्रूट उत्पन्न होते हैं। द एंजियोस्पर्म नियरली ऑक्यूपाई नियरली हैबिटेट लोकेट ऑन द अर्थ एक्सेप्ट द एनवायरमेंट दैट बियर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। इसके हैबिटेट क्या है, ये लगभग हर जगह पाया जाता है लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन पर नहीं पाया जाता है। दे कैन बी एपीफाइट, ये एपीफाइट भी हो सकते हैं, जीरोफाइट भी हो सकते हैं, हेलोफाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। ठीक है, एंजियोस्पर्म बायोलॉजी के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, एंजियोस्पर्म मेकअप द डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा बिलोंग्स टू द सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा ऑफ द किंगडम प्लांटी। ठीक है, आइए जानते हैं हम इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में। द टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इज बेस्ड ऑन सेवरल प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टरिस्टिक प्रपोज्ड बाय मेनी सिस्टमेटिक लाइक लिनियस एंड टैक्थोजन। देयर आइडियाज एस्टेब्लिश डिफरेंट प्रिंसिपल इन टैक्सोनॉमी विच आर नाउ हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी। तो हम देखते हैं एंजियोस्पर्म का किंगडम क्या है, प्लांटी है, डिवीजन क्या है, स्पर्मेटोफाइटा है, और इंफ्रा डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, आइए जानते हैं एंजियोस्पर्म टाइप। एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड, या फिर क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉटिलेडन प्रेजेंट देयर, मोनोकॉटिलेडन एंड डाइकॉटिलेडन। ये कॉटिलेडन के आधार पर यानी कि बीज पत्र के आधार पर दो भागों में, दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया, एक डाइकॉट एंड एक मोनोकॉट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉटिलेडन इज टू इन एम्ब्रियो सीड। इसमें डाइकॉट में क्या होता है, एम्ब्रियो सीड में दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं जबकि मोनोकॉट में एक ही पाया जाता है। फ्लावर इज मोस्टली पेंटामेरस जबकि मोनोकॉट में फ्लावर क्या होता है, ट्राइमेरस होता है। टैप रूट पाया जाता है डाइकॉट में, एडवेंटिशियस रूट पाया जाता है मोनोकॉट में। ठीक, लीप क्या होता है, डार्सीवेंट्रल होता है, और मोनोकॉट में लीप क्या होता है, आइसोबिलेट्रल होता है। वैस्कुलर बंडल सिस्टम आर अरेंज इन रिंग जबकि वैस्कुलर बंडल इसमें मोनोकॉट में क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज कॉमन इन स्टेमेन रूट जबकि सेकेंडरी ग्रोथ इज यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकॉट। ठीक है, आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर एट सम स्टेज इन देयर लाइफ, मतलब कि सभी प्लांट जो थे फ्लावर रखते हैं किसी न किसी स्टेज में अपने। द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर द प्लांट प्रोवाइडिंग देम विथ ए मीन ऑफ एक्सचेंज इन जेंटिंग इन्फॉर्मेशन। फ्लावर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सचेंज ऑफ जेंटिंग मटेरियल। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू स्टेम रूट एंड लीफ, इसमें स्पोरोफाइट रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होता है। वैस्कुलर सिस्टम हैज टू वेसल इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल इन फ्लोएम, यानी कि कंप्लीट जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है। द स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल एंड कार्पेल मेगास्पोरोफिल। स्टेमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिलिक होता है, और कार्पेल क्या होती है, मेगास्पोरोफिल होती है। ऑर्गेनाइज इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर, एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है जिसको क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ईच माइक्रोस्पोरोफिल हैज फोर माइक्रोस्पोरेंजिया
द ओब्यूल आर इनक्लोज्ड इन ओबरी एट द बेस ऑफ मेगास्पोरोफिल। ओब्यूल क्या होता है, इनक्लोज होता है किसमें, ओबरी में, मेगास्पोरोफिल के। एंजियोस्पर्म आर हेटरोस्पोरस प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं। ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज परमानेंटली रिटेन्ड विद इन द न्यूसिलस। इसमें क्या होता है, मेगास्पोर में एक ही सिंगल फंक्शनल न्यूसिलस में मेगास्पोर होता है। द पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई पोलिनेशन। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, पोलिनेशन के द्वारा होता है स्टिग्मा में, ठीक है। द स्पोरोफाइट आर डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। द रूट सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंसिस्ट ऑफ कॉर्टेक्स, साइलम, फ्लोएम एंड एपिडर्मिस। रूट सिस्टम कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। द फ्लावर अंडरगोज डबल एंड ट्रिपल फ्यूजन। द एंजियोस्पर्म कैन सर्वाइव इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग मैरीन हैबिटेट। ये हर तरह के वैरायटी में ग्रो कर सकते हैं एंजियोस्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्विकर इन एंजियोस्पर्म। में फर्टिलाइजेशन जल्दबाजी में होता है, ठीक है। All angiosperm are compromises stamen which are reproductive structure in the flower, ठीक है। The produce the pollen grains that carry the hereditary information। इसमें grain क्या करता है, pollen grain क्या करता है, hereditary information collect किए रहता है, ठीक है। That seed of these plants have two cotyledons, the contain tap root instead of adventitious root। Mostly ये क्या करते हैं, tap root contain किए रहते हैं, tap root रखते हैं। The leaf टेपिसिट ए रेटिकुलेट विनेशन, और लीप का क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन होता है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं, क्लासिफिकेशन तो हम देख ही चुके हैं इसका, जानते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं। वन ऑफ इट्स प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ रिप्रोड्यूस सीड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सीड कैसे प्रोड्यूस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। आइए जानते हैं लाइफ साइकिल। द एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेट्स द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें गैमेटोफिटिक एज वेल एज स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती है। आइए जानते हैं लाइफ साइकिल। द एंजियोस्पर्म लाइफ साइकिल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम देखते हैं क्या होता है इसमें। ये माइक्रोस्पोर है, ये मेगा स्पोरोफाइट है। माइक्रोस्पोर क्या करता है, इस हम देखते हैं, ये स्टिग्मा है, ये फिलामेंट है, ये स्टाइल है। इसमें पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइज करता है, ठीक है। फर्टिलाइज करके जाइगोड बनाता है, जाइगोड से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाती है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए, ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बना, पोलन ग्रेन से मेल गैमेटोफाइट आके हमारे ओवरी में फ्यूज किया, एक बना, एक से जाइगोड बना, जाइगोड से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से प्लांट, ये क्या हुआ, हमारा लाइफ साइकिल हुआ एंजियोस्पर्म। आइए जानते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सप्लाई अस विद फूड, फीड, फ्यूल, मेडिसिन एंड ए वैरायटी ऑफ द अदर कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर रिलाइज ऑलमोस्ट इंटायरली एंजियोस्पर्म। द पोएसी ऑफ ग्रास फैमिली इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज। द प्लांट फेबेसी आर लेग्यूम फैमिली प्रोवाइड प्रोडक्ट रिच इन प्रोटीन। द सोलेनिसी फैमिली इंक्लूड्स पोटैटोज, टोमेटोज, पीपर, वेयर एज कुकुरबिटेसी आर गॉड फैमिली इंक्लूड पम्पकिन एंड मेलन, ठीक है। यानी कि खाद्य पदार्थ हुए हमारे, सारा कुछ क्या होता है, हमारे एंजियोस्पर्म से प्राप्त होता है। उडी एंड अनदर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एंजियोस्पर्म इज दैट दे प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल, यानी कि हमको मेडिसिन भी बहुत प्रोवाइड करते हैं। विटामिन, नेक्रोटिक्स, एस्पिरिन एंड क्यूनिन आर एमॉन्ग द मेडिसिन ऑन द लिस्ट, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, क्विनिन इज यूज्ड क्योर मलेरिया, फाउंड ल्यूकेमिया, ठीक है, रिलैक्स मसल ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी एंड डायोसेजिनिंग स्टार्टिंग मटेरियल इन ओरल कंट्रैक्टिव्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट आर द सोर्स ऑफ वुड, पेपर, स्पाइसेस, फाइबर्स लाइक कॉटन, हेम्प, ईटीसी। ये सब क्या होते हैं, हमें एंजियोस्पर्म से प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइफ साइकिल, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट एंड एंजियोस्पर्म जाना है, ठीक है। थैंक यू।